आप किसको बिगाड़ेंगे? अनिल जी मैं तो बिगाड़ूंगा, मेरा तो पूरा मूड बना हुआ बिगाड़ने का। हाँ पहले आप किसको बिगाड़े वो बताइए। नहीं नहीं पहले मैं मेरा लास्ट में रखूंगा, चलो आपके बाद में बताऊंगा। हाँ अनिल, आज एक्चुअली मैं बागले साहब बहुत दिनों के बाद पकड़ में आया, ऐसा लग रहा है सब लोग बागले साहब को बिगाड़ना चाह रहे हैं। इतने सिंसियर सीनियर मोस्ट बेहतरीन आदमी है। देखिए मैं जयपुर में दो दिन मुझे साथ रहने का मौका मिला, उस टाइम पे मुझे लगा कि यार थोड़ी तो बात करते हैं टीवी पे, मगर बात नहीं करते हैं, बात वाक्य में वैसे कम करते हैं, बहुत सिंसियर और सीरियस है। तो मैं बागले साहब को बातूना बनाना चाहता हूँ। देखिए मुझे तो बातें करनी आती है, माहौल बना बना के खूब बातूना बनाना चाहता हूँ कि एटलीस्ट सब लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं बागले साहब को, जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गाने वाला स्कीम जबरदस्त लगा कि इतना बातूना बनाए कि और गाना गाना भी सिखा दूं। और दूसरा है देखिए, ये हमारे राम राशि वाले और दूसरे मेरे भाई सेठी साहब, उनको मैं क्या करना चाहता हूँ, एक एकदम उनके सर पे तो बाल है नहीं, उनके वीक लगवा दें, और वीक लगवा के और रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं, जब भी हम लोग मिलते हैं कहीं भी फंक्शन में जाते हैं तो सो जाते हैं जल्दी। तो मैं गाने की आदत डालू और वीक लगा के और मेरा खड़े तबले पे उनको डांस वांस सिखाऊं, लेट नाइट पार्टी करना सिखाऊं। ऐसा मुझे लगता है कि सेठी साहब और वागले साहब जब एक दोनों मुंबई के मेरे दोस्त, तो पहली चीज तो ये कि आपको क्यों लगता है वागले साहब बोलते नहीं? वागले साहब बोलते कम है, 100 सुनार की एक लुहार की है, आप 100 बात बोलते हैं, वागले साहब एक ही बार में काम कर जाते हैं। और दूसरी चीज, अच्छा आपने एक चीज नोटिस की होगी, पिछले कुछ दिनों से वागले साहब ने हंसना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा। तो वागले साहब की पारिवारिक, दो वजह हुई, एक तो वागले साहब की पारिवारिक समस्याएं थोड़ी सी कम हो गई है, और दूसरा जो फोटो लगी हुई है उनके कंप्यूटर के सामने, तो इनकी आई साइट वीक हो गई, तो वो फोटो एकदम उन्हें धुंधली दिखती है। तो ये दो वजह से अब वागले साहब को एकदम डर थोड़ा कम हो गया, तो हंसी निकल जाती है। और रहा सवाल वागले साहब को ज़्यादा बातू नहीं बनाने का, अगर वागले साहब चालू हो गए ना तो आशु जी आपके लिए समय बचेगा नहीं, ये ध्यान में रखना। और रहा सेठी साहब का, सेठी साहब से पार्टी, अच्छा आप बोले विग लगवा के सेठी साहब से पार्टी, तो बिना विग के सेठी साहब पार्टी नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, तो बिना विग के भी कर। और अच्छा आपके खड़े तबले पर पार्टी करते तो तबले का क्या होगा अगर वो सेठी साहब इसके ऊपर खड़े हुए तो? और मतलब